विधानसभा 34 स्वार टांडा के ग्राम रुस्तमनगर निकट रायपुर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के द्वारा बनवाए गए श्मशान घाट के उद्घाटन के दौरान पूरा गांव आया। शफीक अंसारी के स्वागत के लिए सभी ग्राम वासियों ने फूलों के हार पहनाकर ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ रथ पर बैठाकर पूरे गांव में रैली निकाली। घर की छतों से महिलाओं और बच्चों ने फूलों की बरसात कर स्वागत किया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर, टांडा के सालिम, पूर्व चेयरमैन हबीब अंसारी, ठाकुर नूर हसन घोसी, अमीरुल हसन घोसी, सुल्तान खां मेवाती, गुलाम हुसैन मलिक, मोहम्मद आजम घोसी, असगर मलिक, लियाकत अली, असमान अली, गुलाम हासिम, उदय सिंह परवेज, पप्पू, राजेंद्र सिंह, जबर सिंह, चंद्रपाल सिंह, बलवीर सिंह, राजपाल सिंह, उमेश सिंह, करतार सिंह, खान सिंह, पंकज सिंह, कुलदीप सिंह, राजकुमार सिंह, धर्मवीर सिंह, महेंद्र सिंह, रामकिशोर, हेमराज सिंह, जगत सिंह, चरण सिंह आदि के अलावा भारी तादाद में ग्रामवासी उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी खुशियों का इजहार फूलों और ढोल नगाड़ों से किया। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। और जब एमएलए बनाओगे तो जितने काम बाकी है पूरे सब काम करा देंगे। एमएलए बनने के बाद ये शमशान तक का रोड भी बनेगा इंशाल्लाह। पुल की समस्या है क्योंकि पुल का बहुत बड़ा लंबा काम है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा 101% इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके पुल बनाया जाएगा।